कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे भविष्य के बारे में कभी बात नहीं करते और हमेशा अपनी विफलताओं के लिए अतीत में किसी न किसी को दोषी ठहराते हैं। अमेरिका की यात्रा पर आए राहुल ने जैविट्स सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने ओडिशा ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए 60 सेकंड का मौन रखा। गौरतलब है कि ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना में 277 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद रेलवे सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे याद है कि कांग्रेस राज में एक ट्रेन हादसा हुआ था। उस समय कांग्रेस ने यह नहीं कहा था कि ट्रेन हादसा अंग्रेजों की गलती की वजह से हुआ। कांग्रेस के मंत्री ने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस्तीफा दे रहा हूं। हमारे देश में यही समस्या है, हम बहाने बनाते हैं, हम सच्चाई को स्वीकार कर उसका सामना नहीं करते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की गाड़ी, और वह पीछे देखकर गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि गाड़ी लड़खड़ा क्यों रही है और आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। भाजपा और आरएसएस के साथ भी यही है, सभी के साथ। आप मंत्रियों की बातें सुने, प्रधानमंत्री की बातें सुने, आप उन्हें कभी भविष्य के बारे में बात करते नहीं पाएंगे, वे केवल अतीत के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा और आरएसएस दूरदर्शी नहीं है, वे कभी भविष्य की बात नहीं करते, वे केवल अतीत की बात करते हैं और वे अपनी विफलताओं के लिए हमेशा अतीत में किसी को दोषी ठहराते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है, एक जिस पर कांग्रेस विश्वास करती है और दूसरी जिसे भाजपा तथा आरएसएस मानती है। इसे समझने का सबसे सरल तरीका यह है कि एक तरफ आपके पास महात्मा गांधी हैं और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे।